को ना फील ही नहीं आ रही है मतलब निकालने से। मैं सोचा नहीं निकालू, मजबूर निकालना पड़ेगा। All right, so hey guys, what up everybody? This is Soil Ji and back at it again with a new video, baby. Okay, जैसे कि मैं अभी आ चुका हूँ brand new ब्लॉग के साथ। So by the way, आज का ब्लॉग बॉम्ब तो नहीं वाला है, आज का ब्लॉग मतलब सैड ब्लॉग होने वाला है। जैसे भी के मेरी पॉम्पम देख रही हो, ये चेक करो, जिसे तुम लोग देख सकते हो मैंने रैप कराया था। ये मुझे निकालना है। हाँ डूड, आप लोग सही सुन रहे हो, मुझे ये गाड़ी से पूरा निकालना है। जस्ट बी के बहुत फाइन आ रही है डूड, मतलब मैं तो वैदा मैं तुमको बता दूँ, मेरे को गाड़ी लेके 4 महीना भी नहीं हुआ है एंड इतने फाइन आ चुके डूड, मतलब मैं नहीं भर सकता। तो मैं सोच रहा हूँ ये मैं निकाल दूँ एंड मैं कुछ चेंजिंग करूँगा तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। एंड थोड़ा बहुत अभी मैं चेंज करूँगा तो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। एंड मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा है डूड ये निकालने। एंड मैंने स्टोरी भी डाला था इंस्टाग्राम पे कि मैं मेरी गाड़ी का रैप निकाल रहा हूँ एंड इतने सारे लोग के DM आ चुके हैं कि भाई क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो। एंड मैं थक गया डूड, मतलब सबको रिप्लाई देते हुए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं आज का वीडियो ही बना दूँ प्रॉपर ब्लॉग एंड तुम लोग को बताओ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों नहीं। सबसे पहला कारण था मतलब हेटर्स लोग की वजह से। हेटर्स लोग को छोड़ लो, मैं एडजस्ट कर लेता आपको, मैं दिखा दूँ हेटर्स लोग। एंड जैसे तुम देख सकते हो मेरी गाड़ी का ये निकल चुके एंड थोड़े बहुत जैसे तुम देख सकते हो ये भी निकल चुके। ये सब मेरे से जलने वाले निकालते हैं बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब आपसे कोई जलेगा तो आप लोग को तब पता चलेगा कि आप कुछ बन रहे हो। एंड हाँ, सो ऑटो फोकस। सो भाई मैं तुमको बता दूँ आज मेरे साथ को कोई नहीं है। मैं आज अकेला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ एंड थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट कोई नहीं, आज मेरे सब फ्रेंड थोड़ा काम से बिजी थे तो मैं बोला क्यों ना आज अकेला ट्राई करते, हर एक एक्सपीरियंस लेते रहने का कि कैसा लगता है कैसा नहीं। सो बाय द वे अभी फटाफट इसको निकालते एंड मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूँगा। एंड हाँ, पहला कारण तो आप लोगों को बता दिया मैंने, हेटर्स। फक डूड। सो बाय द वे मैंने पहला कारण तो आपको बता दिया कि हेटर्स। एंड दूसरा जो कारण है वो है ट्रैफिक हवलदार। डूड मैं आपको बता दूँ, ट्रैफिक हवलदार मुझे पकड़ते ना तो मैं फाइन भर के छोड़ देता हूँ, लेकिन जो कैमरे से अगर फाइन आता है ना मेरे को टोटली जितने भी फाइन आए ना अभी तक मुझे इस पर कुछ 4,000 आ चुके। एंड मैं तुमको बता दूँ 4,000 सब कैमरे से है, ना कि कोई सामने से फाइन मारा है फोटो क्लिक करके, फोटो क्लिक करके एक भी नहीं, सब कैमरे से। एंड मैं हेलमेट पहनने की मेरी आदत नहीं है तो डूड आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग प्लीज़ हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करो, मेरे को शौक नहीं हेलमेट पहनने का। सो अभी से तो पहनना पड़ेगा नहीं तो मतलब भंगार हो जाएगी गाड़ी, 10-20 हज़ार फाइन हो जाएगा। तो सो मतलब जितने भी फाइन है सब कैमरे से, तो कैमरे को तो कुछ बोल नहीं सकते कि कैमरे को दे नहीं सकते, भाई ले 100-200 ले छोड़ दे। सो कोई नहीं, ये सब तो होते रहता है लाइफ में, इतना तो झेल सकते ये डूड, मतलब कुछ बनना है तो। सो बाय द वे अभी सबसे पहले मैं उससे जितना भी रैप दिख रहा है सब निकाल लूँगा। एंड प्लीज़ यार जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दो, मेरी इतनी मेहनत कर रहा हूँ एंड मेरे को बहुत मतलब बहुत मिस करूँगा मैं ये चीज़ को। एंड फ्यूचर में कभी ना कभी मैं इसको बना दूंगा वापस से, तो लेट्स गो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो फटाफट रिमूव करके एंड मजे करते सुबह। तभी मैं वीडियो बना रहा था तो ये बच्चे लोग आए थे। सो सब्सक्राइब करिएगा क्या नहीं मेरे चैनल को, क्या नाम है मेरे चैनल का, भूलिया सोइल जैन, ठीक है। तू भी करना, तू भी करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मेरी तरफ से चॉकलेट फिर, बट दिखाना सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो बाय द वे अभी मैं तुमको बता दूँ ये जितना भी रैप निकालना है। सो बाय द वे मैं चाहता तो नहीं निकालना बट क्या करिए, ये प्रॉब्लम ही ऐसी है तो मैं निकाल दूंगा एंड मैं कुछ अलग ट्राई करूँगा तो वो आपको आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। एंड अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा वो अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या चेंजिंग कराऊंगा क्या नहीं। सो वही आई रियली मिस यू पॉम पॉम, ये लुक मेरी बाइक का मैं कभी नहीं ला सकता, बहुत खतरनाक है। एंड हाँ, अब बहुत लोग बुरा मान रहे तो यार मैं क्या कर सकता हूँ डूड, मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ कि मैं 10-10 हज़ार महीने का सिर्फ फाइन ही भरते हूँ, ऐसा कुछ है। एंड और एक और बात बता दूँ, मैं नहीं निकाल रहा था, मैं भले से गाड़ी बहुत कम यूज़ करता हूँ डूड, मतलब तुमको मैं बता दूँ मतलब ना मैं दिन का ना 10 किलोमीटर भी नहीं चलता हूँ ये गाड़ी लेके। तो मेरा कारण ये भी निकालना है कि मतलब मैं ये गाड़ी लेके भाग भी नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब दानिश भाई के जैसे लोकेशन है नवी मुंबई साइड में, मैं वो सब जगह पर गाड़ी नहीं लेके आ सकता क्योंकि गाड़ी बीच में पकड़ लेंगे तो मजबूरन निकालना पड़ेगा। सो कोई नहीं यार, इतना तो कर सकते, थोड़ा बहुत चेंजिंग लाइक इसमें तो मतलब। और हाँ तुमको मैं बता दूँ, ये मेरी गाड़ी है, इस पर दानिश भाई वाली वाइब आएगी, ये निकालने के बाद भी आएगी क्योंकि मैं वैसी कुछ चीज़ करूँगा। सो भाई तो चलो बटपट इसको रिमूव कर दे, मजे कर दे। सो भाई फैम ब्रो, मेरे को ना फील ही नहीं आ रही मतलब निकालने से, मैं सोचा नहीं निकालूँ बट क्या करिए, मजबूरन निकालना पड़ेगा। मिस यू पॉम पॉम, 3, 2, 1 फाइनली पॉम पॉम इज नो मोर।
आई रियली मिस यू पापा। सो डूड मुझे निकालना पड़ रहा है, आई रियली मिस यू। सो बाय द वे जैसे तुम देख सकते हो इतना कुछ निकल चुका है एंड कैसा लुक दिख रहा है। अभी पूरी गाड़ी डिसेंड हो जाएगी, बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यार रूट, मतलब क्या करेंगे अभी, मजबूरन करना पड़ेगा। सो फटफट में निकल कर अभी और भी पार्ट है, तो लेट्स गो। सो ओके ऑल राइट, बाय द वे जैसे तुम देख सकते हो ये मेरी गाड़ी है, तो अभी इसका इतना पार्ट निकल गया है, तो अभी हम लोग फटफट इसका फटफट निकलते हैं। एंड अभी मैंने कुछ मेरे हेलमेट पे सेटअप लगाया जैसे तुम देख सकते हो, तो लेट्स गो निकलते हैं। एंड मेरे साथ आज कोई नहीं डूड, मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा, बट कोई नहीं, चलो करते। सो वही राइट। बाय द वे जैसे तुम देख सकते हो ए साइड का पूरा निकल चुका है एंड अभी ये साइड का बाकी है थोड़ा बहुत। एंड लिटरली तुम लोग क्रॉस करो, ये मैंने अकेला निकाला रूट इतनी मेहनत लगी है। एंड ये सब जैसे तुम लोग देख सकते हो दानिश लिखा था मैंने इधर, विंग्स बनाया था तो वो भी निकाल दो, मतलब ये पॉम पॉम भी है। एंड मैं तुमको बता दूँ, अभी मैं एकदम पूरा इसलिए निकाल रहा हूँ कि मुझे ना अभी थोड़ा चेंजिंग लाना है, तो मैं स्टार्टिंग पूरे से ही शुरू करता हूँ ना, थोड़ा बहुत मतलब सब नवा डालता हूँ अभी जब कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि जब मैं अभी कर रहा हूँ तो पूरा नवा करता हूँ, पुराने रख के क्या फ़ायदे। अब मैं लिखा हुआ और भी बहुत सारे आइटम लिखाने हैं, तो लेट्स गो देखते हैं। अभी थोड़ी देर में जाऊँगा मैं लिखाने एंड क्या होता है क्या नहीं। सो भाई जैसे तुम लोग देख सकते हो गाड़ी का पूरा रैप उतर चुका है एंड मैंने इसे भागे मडगार्ड पे रखा हूँ क्योंकि एक ज्यादा स्ट्रेन अच्छी। एंड मैं तुमको बता दूँ, मैं अभी सबसे पहला वॉश करा रहा हूँ एंड उसके बाद मुझे उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है जस्ट बिकॉज क्योंकि लगना चाहिए ना फैम्ब्रो की गाड़ी है। सो मतलब फैम्ब्रो वाइप नहीं आएगी तो फायदा क्या है, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखा होगा एंड वॉश करने के बाद तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लिखा होगा क्या नहीं। सो भाई फैम्ब्रो बेसिक करा जो अभी फिलहाल तो गाड़ी को। एंड अभी मुझे जो इस पर काम कराना है वो थोड़ा बहुत कराना है जस्ट बिकॉज ये गाड़ी जब जाएगी तो लगना चाहिए ना दानिश भाई का फैन जा रहा है, तो इस पर मैं कुछ इधर दानिश भाई वाली वाइप देता हूँ। तो लेट्स गो, इधर मैं विंग्स बना हुआ वापस से जो कि मेरा ख़राब हो गया था एंड बहुत सारे काम है, तो लेट्स गो देखते क्या होता है क्या नहीं। सो भाई
what I'm doing, eh? Grinding on that music, trying to make a stack a day. राइट भाई, देखिए जैसे तुम देख सकते हो कि मैंने कोलिस बैट बॉय लगाया है जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है डूड। ओके राइट भाई, देखिए अभी मैं इधर एक लाइट डाल रहा हूँ ब्लू कलर की, एंड मतलब थोड़ा बहुत जैसे तुम देख सकते हो, हाँ सो थोड़ा बहुत डिफरेंट लुक आना चाहिए ना, इसलिए मैं बोला था लाइट चेंज कर देता हूँ। एंड मतलब येलो तो हर किसी की गाड़ी में रहता है, तो सोल्जन की गाड़ी में ब्लू कलर रहना चाहिए डूड। सो वही तो चलो चलते हैं, एंड मचाते सो वही। I just need the money so I can buy me a Rari. Yeah, I just need a Rari. Yeah, I just need a Rari. Okay, alright. So by the way, जैसे तुम देख सकते हो मेरी गाड़ी का पूरा रैप उतर चुका है टोटली, मतलब सब जगह गए। एंड मैंने बस एक ही जगह रखा जो कि मडगार्ड, थोड़ा याददाश्त के लिए कि मैंने मेरी गाड़ी को कुछ ऐसा किया था। एंड सबसे पहले तुम देख सकते हो मैंने विंग्स लगा दिया हूँ, एंड यहाँ पे दानिश लिखा हुआ अरबी में, एंड यहाँ पे फैमरो लिखा दिया हूँ, और थोड़ा कुछ अलग देने के लिए मैंने इधर देखो क्या दिया, जो कि मैं हूँ कॉलेज बैड बॉय। एंड पीछे देख सकते हो हेटर्स लोग के लिए जितना भी है, जलो मत बराबरी करो, क्या लिखा है बंटा इस पे, तुम लोग यूट्यूब पे देखते क्या नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। देख सकते हो मैंने अभी इस पे लाइट भी लगा दिया ब्लू वाला, इंडिकेटर का चेंज कर दिया, आप लोग को दिख रही रहेगी, मैं भी दिख रही रहेगी। सो बस आज का चार महीना हुआ गाड़ी लेके, इतना फाइन आ गया डूड, मतलब किसकी गाड़ी पे आता भी नहीं इतना जल्दी, 4,000 रुपया 4,000। तो भाई आज का वीडियो एंड करते आए हो, आपको वीडियो देखिए मजा आई देगी, अगर मजा आई देगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कैमरा भी ज्वाइन करो। So, आज का वीडियो एंड कर, सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो, गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी, सो सब्सक्राइब करके जाओ डूड, बाय। Grinding on that music, trying to make a stack a day. And I know I cannot party, but when I see you again. Yo, what's up, Fandango!